नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरिफ और मेरे चैनल देवोस डेला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आया हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होद में, जो ब्लॉक खंडेला में पड़ता है। इस हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में के आसपास के 12 गांव हैं, जैसे खंडेला मोड़ हो गया, रलावता हो गया, बोधपुर हो गया, केरो की डाणी हो गया, बालाला हो गया, दुल्लेपुरा हो गया। इस हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है कि मुझे बाहर मरीज मिले, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है अंदर। मेरे पास शिकायत आई थी तो मैं इस शिकायत के लिए आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं आज मैं उप स्वास्थ्य केंद्र और केंद्र आ चुका हूँ और किशोर दुल्लेपुरा भी यहाँ पे पधार चुके हैं और ये माता बहने खड़ी हुई है, मरीज भी है, स्टाफ भी है और ये पूर्व सरपंच जी भी है। यहाँ के देख सकते हैं आप, लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं देवोस ऑफ खंडेला पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कितने दिनों से यहाँ डॉक्टर नहीं है उपस्थित? करीब लगभग 3 महीने से। 3 महीने से डॉक्टर, इनका कहना है कि डॉक्टर साहब तो 3 दिन से नहीं है, बोझपुर ट्रेनिंग पे है। ये 3 दिन का बोल रहे, आप बोल रहे 3 महीना नहीं है, ऐसा क्यों? देखा ही नहीं साहब, हमने डॉक्टर यहाँ नहीं देखा। नहीं देखा सर। आपने देखा डॉक्टर कभी इधर? सर आपने देखा स्टाफ हो आप? और इनके लोग आज हाँ, आपकी पर्ची को डॉक्टर ने देखा है क्या आपको? डॉक्टर ने चेक किया आपको? डॉक्टर ने चेक किया सरपंच जी? यहाँ पे डॉक्टर की स्थिति क्या है? डॉक्टर अब तो नहीं है, पहले तो अब तो नहीं है डॉक्टर वर्तमान में। ये मरीज आते हैं परेशान होके चले जाते हैं, इतनी गर्मी के अंदर इनकी पीड़ा भी समझे जाए और डॉक्टर सरकार उपलब्ध कराए यहाँ पे। भाई साहब यहाँ पे डॉक्टर आते हैं क्या? 3 महीना शुरू नहीं देखे आपने डॉक्टर? और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब यहाँ पे सर डॉक्टर रहते हैं या उपलब्ध नहीं रहते हैं? ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, आमजन को, 12 गांव लगते हैं आसपास के। तो परेशानी को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं है, तो हॉस्पिटल होना नहीं होना, मरीजों की परेशानी कभी सॉल्व नहीं होती, मरीजों की परेशानी। और इतनी गर्मी का मौसम है, जो बाहर मरीज जा रहे थे उनसे मैंने पूछा भाई डॉक्टर है नहीं है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो स्टाफ है ये दवाई लिख के दे रहा है, ये उसके आधार पर दवाई दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की तो जिम्मेदारी बनती है। सरकार से भी निवेदन है कि डॉक्टर तो लगाया जाए, कम से कम 12 गाँव पड़ते हैं, केरो की डाणी, बालाला, 12 गाँव है, बोधपुर, खंडेला, दुल्लेपुरा, खंडेला मोड़, पदमपुरा है। कुछ भी कहते रहो इनको कोई असर नहीं होता, इनके खाना पूर्ति को छोड़ करके और कुछ है नहीं। अभी तो दवा खाना नहीं, बर्बाद खाना हो रखा है, बर्बाद खाना बिल्कुल। और जन सेवक किशोर दुल्लेपुरा भी आ चुके हैं, इनसे पूछते हैं हम। किशोर जी नमस्कार। अभी ये ट्रेनिंग का हवाला दे रहे हैं, अभी यहाँ निरीक्षण किया है तो ये तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ट्रेनिंग का हवाला देखे जो भी ये ट्रेनिंग होगी, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ नर्सिंग स्टाफ भी पर्चियां निकालता है, पर्चियां बनाता है पेशेंटों से। मैं आपको बात कराऊंगा कि आपकी पर्ची कहाँ बनती है, डॉक्टर के रूम में थोड़ी बनती है, कहाँ बनती है? ये दवा काउंटर है, इस पे दवा काउंटर पे पर्चियाँ बनती है। तो मैं तो जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी महोदय उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो मरीजों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है बिना डॉक्टर की उपस्थिति में, पर्चियाँ बनाई जा रही है, यहाँ आप काउंटर से देख सकते हैं माता बहने बैठी है। अब कल को कोई हादसा हो जाए किसी महिला के साथ में, किसी बच्चे के साथ में, किसी ग्रामीण के साथ में, पर्ची को नर्सिंग स्टाफ थोड़ी बना सकता है, उनको देखने का परामर्श देने का अधिकार किसने दे दिया नर्सिंग स्टाफ को? तो यहाँ सारी अव्यवस्थाएं बनी हुई है उस हॉस्पिटल में। और जो डॉक्टर जो 3 दिन का ये हवाला देते हैं कि तीन दिन के दूसरे हॉस्पिटल में देखते हैं, 3 दिन यहाँ हो तो हॉस्पिटल में देखते हैं, लेकिन 3 दिन भी यहाँ नहीं आते हैं। ग्रामीण देख सकते हैं आप वीडियो में, सारे ग्रामीण बैठे यहाँ आए हुए, सारे ग्रामीण लोग, इन सब लोगों ने यहाँ शिकायत दर्ज करवाई कि ये वास्तव में 1-2 दिन की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से यहाँ समस्या चल रही है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आए दिन यहाँ दोपहर बाद तो हॉस्पिटल खुलने का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर के डॉक्टर आते नहीं है, जब मरीज को उसको इलाज नहीं मिल पा रहा, कोई उसकी सुनाई नहीं हो रही, तो फिर किस मतलब के डॉक्टर और ये किस बात का हॉस्पिटल?
किशोर जी सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? मैं तो सारा के सारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का आप देखें, और जो लोग वास्तव में यहाँ गलत कार्य कर रहे हैं, जो गलत रूप से डॉक्टर और स्टाफ कर्मचारियों ने जो आपस में साठ गांठ बना के जो हॉस्पिटल को चला रहे हैं, यहाँ की जनता को मतलब मौत के मुंह में धकेल रहे, आप सोच नहीं सकते। तो चिकित्सा अधिकारी जी यहाँ निरीक्षण करें और यहाँ की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करें। और डॉक्टर जो लगा हुआ है, अगर यहाँ डॉक्टर लगा हुआ है, कृतिका चौधरी के बारे में यहाँ लिख रखा है, बोली वो डॉक्टर है, तीन दिन देखेगी, तो तीन दिन तो कम से कम यहाँ ड्यूटी लगे ना, ड्यूटी लगी नहीं रही है यहाँ, बिल्कुल नहीं लग रही है पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। और इनसे माता बहनों से सब लोगों से आपने पूछा ही है क्या स्थिति बनी हुई है, आप इनसे इनके स्टाफ पे भी लीजिए आप क्या स्थिति है। नमस्कार सर, देवोश खंडेला में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको शुभ नाम? उमेश शर्मा। सर आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे? तीन दिन सर डॉक्टर लगा रखा लड़ावता से, सोमवार बुधवार और शुक्रवार, और अभी तीन दिन वो जयपुर ट्रेनिंग में गए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना कि वो तो पिछले तीन महीने से यहाँ पे नहीं है। अब देखो सर, तीन दिन तो आते, हो सकता है कि तीन दिन जिस दिन उनकी ड्यूटी नहीं हो उस दिन आए, भाई तीन दिन तो आते सभी। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अब थोड़ी देर मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। किशोर बोल रहा हूँ, धुलेपुरा। मैडम यहाँ आपकी होद हॉस्पिटल में ड्यूटी है, तो कितने दिन ड्यूटी लगती है आपकी सप्ताह में? आप हो कौन, कौन सी पोस्ट पे हो? मैं कोई पोस्ट नहीं हूँ, तो एक सामान्य नागरिक हूँ गांव का। हुआ क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ, आप आते नहीं है ड्यूटी पे, कभी नहीं आते ड्यूटी पे, यहाँ ग्रामीण परेशान हो रखे हैं, या नर्सिंग स्टाफ पर नर्सिंग मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर्चियाँ बना रहा है, नर्सिंग स्टाफ यहाँ चेक कर रहा है, डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई, तो डॉक्टर क्यों नहीं आते? मेरी ट्रेनिंग जयपुर लगी हुई, ट्रेनिंग तो अभी चल रही है ना, तीन दिन की है ट्रेनिंग, इसके अलावा आप कब आते हैं बताइए। अभी डॉक्टर साहब जो यहाँ कृतिका चौधरी ड्यूटी लगी हुई उनकी, उन्होंने सही तरीके से बात नहीं की और फोन को उन्होंने काट दिया। हाँ सर, सर देखो मैं, नहीं सर आपको मैंने पिछले सुनो, मैंने आपको फोन लगाया, आपका फोन ही नहीं लग रहा, बताओ पहले यहाँ आते मैंने फोन लगाया था आपको, आपके नंबर पे अब, और मैडम को उनको कहो कि कम से कम बात तो सही तरीके से करें। मैंने उन मेरे को पूछा, बोले आपकी इस पोस्ट में, मैंने कहा मैं तो एक ग्रामीण हूँ, बोले मैं तो बात ही नहीं करूंगी ग्रामीण से, तो बात ही नहीं करेगी। आप सर आपसे उम्मीदें हैं, आप अच्छा काम करें, आपसे उम्मीदें, लेकिन अब व्यवस्था देखो हो रखी, इसको थोड़ा सा आप दुरुस्त करवाइए ना। अच्छा वो दिन डॉक्टर बैठे, हम तो ये चाहते हैं, बस बस और क्या,